सिंबली में जब पिछले वीडियो में हम तो जलवायु अनुकूलन के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पहले उसको करेंगे, उसके बाद में उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कथनों को पढ़े और सही उत्तर दें। इन कथनों को पढ़े एवं सही उत्तर दें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट के रोमन में इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है, मौसम के घटक नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए कॉमन, बी में दिया गया है तापमान, सी में दिया गया है आर्द्रता, उसके बाद से आपको डी में दिया गया है पहाड़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मौसम का घटक नहीं है। देखिए इसमें मौसम के घटक में जो है कॉमन आता है तापमान, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, आर्द्रता मतलब कभी ठंडा होता है कभी गर्मी महसूस होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कॉमन के घटक, मौसम के घटक है तीनों, लेकिन जो है यह क्या है पहाड़ जो है मौसम के घटक नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है नेक्स्ट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन जानेंगे, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु ठीक है, आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में आपको बताए थे कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है ध्रुवीय, उसके बाद बी में दिया गया है पेंगुइन, सी में दिया गया है रेनडियर, आपको बता दें कि आपकी बुक में इस क्वेश्चन को बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इसमें कुछ बुक में गलत दिया गया है। देखिए इसमें जो होना चाहिए डी नंबर की ऑप्शन होना चाहिए, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे भारत आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, देखिएगा कि ध्रुवीय भालू और जो है पेंगुइन और रेनडियर ये सब जो होते हैं ध्रुवीय भालू जो होता है ये कब कहाँ पाया जाता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, यहाँ पे जहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो बर्फीली जगह है, ठीक है, वहां पे ये ध्रुवीय भालू पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेंगुइन, पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी है, ये भी जो है बर्फीली स्थान में ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर में काफी मात्रा में बाल होता है। ठीक है, और ये
वह क्या करती है, तैरती है, तैर करके अपना जीवन वहाँ यापन करती है, ठीक है। और रेनडियर भी क्या है, ये भी जो है ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी बर्फीली क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तीनों नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं, यानी बर्फीली क्षेत्रों में ये सब जो जीव जंतु भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपको लिखना होगा, डी नंबर एक लिखना होगा, डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है, डी नंबर। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु, तीसरा नंबर ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु है। देखिए फर्स्ट में दिया गया है, ये में दिया गया है टुकन पक्षी, उसके बाद बी में दिया गया है हाथी, सी में दिया गया है लायन, एक लंगूर, उसके बाद डी में दिया गया है कस्तूरी मिली, ये जो है आपकी बुक में दिया गया है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाली। मतलब जो है हम लोग क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन से इसमें जो जीव जंतु है वे कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में यानी बर्फीली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए टुंकन, सॉरी टुंकन, टुंकन पक्षी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाथी जो है एशियाई हाथी, आप लोग देखे होंगे हाथी देखेंगे, ये सब भी किधर पाए जाते हैं, ये सब भी तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और लायन टेल्ड लंगूर जो बंदर होते हैं, आप देखे होंगे भारत में कई जगह पर स्थित है, कई राज्य में, ये भी किधर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन जो है कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मृग ये ध्रुवीय क्षेत्र में यानी बर्फीली जगह में पाए जाते हैं, इसमें क्या होगा, डी नंबर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर हम जा लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको अपने मोटी से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम लोग, चौथा नंबर, ये चौथा नंबर दिया गया है वैसे जंतु जिनके शरीर, वैसे जंतु जिनके शरीर वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल उसमें दिया गया है पर दो मोटी परतें होती है कि दो मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट में दिया गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण
प्रतिबंधीय क्षेत्र बी में दिया गया है रेगिस्तान, रेगिस्तान सी में दिया गया है ध्रुवीय क्षेत्र, और डी में दिया गया है आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल की दो मोटी परत होती है वे पाए जाते हैं, जैसे आपको बता दें कि पेंगुइन जो है और ध्रुवीय भालू, ये सब के जो बाल होते हैं काफी जो है मोटे बाल होते हैं, काफी घने बाल होते हैं, इसलिए वे जो है किसमें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये सब जगह। ठीक है, ये चीज हमको जान चुके समझ चुके आज के लिए।